ये कहानी बहुत साल पहले की है, जब भगवान शिव और देवी पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक और गणेश के साथ हिमालय की गोद भगवान शिव और देवी पार्वती उस वक्त शंकर और अन्नपूर्णा के नाम से इस धरती पर एक साधारण सी जिंदगी बिता रहे थे। देता हूँ, तुम में से कौन मुझे हरा सकता है? ये कार्तिक पता नहीं कैसे लकड़ी से अपने आप तलवार और भाले बना लेता है, कोई इसके सामने टिक ही नहीं पाता। मैंने तुम चारों को अकेले हरा दिया, अब तो मानोगे कि मैं तुम सबसे अधिक बलवान हूँ। ये कार्तिक अपने आप को समझता क्या है? ये दो भाई कार्तिक और गणेश हमारे साथ खेलने आते हैं और हम ही को हरा देते हैं। इनको हराने का एक ही तरीका है, तो सब लोग अपने हाथ की लाठी उठा के एक साथ इस पे वार करो। तुम सबको पता है ना कि अगर मेरी बात तुम लोग नहीं सुनोगे तो मेरे बाबा तुम लोगों का क्या हाल करेंगे? डरते हो ना सब मेरे बाबा से? अब बताओ कौन सबसे अधिक बलवान है? हाँ, पर तुमने तो छल से कार्तिक भैया को हराया, ये तो कायरों का काम है। मुझे कायर कहते हो? तुम खुद तो इंसान ही नहीं हो, हाथी की मुंडी लेके घूमते हो। अरे तुम्हें तो हम गांव में घुसने देते हैं, यही बड़ी बात है। गणेश, तूने मारा भी तो लड्डू से, इसको कहते हैं जैसी शक्ल वैसी ही अकल। देखा, हमेशा मेरे भाई को चिढ़ाते हो, पर उसने तुम्हें सबक सिखाने के साथ साथ तुम्हें तुरंत बचाया भी। जब चींटियां तुम्हें काटने वाली थी ना, तब तुम्हारे दोस्त तुम पर हंस रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे कपड़े गीले क्यों हैं? इन भाइयों ने मेरे ऊपर चीटी छोड़ दिए थे, इसलिए मैंने खुद के ऊपर पानी डाल के अपने आप को बचाया। तुम लोगों की इतनी हिम्मत? तुम लोग क्या भूल गए कि गोलू मेरा बेटा है और मैं अभी के अभी तुम लोगों की सारी हड्डियां तोड़ सकता हूँ। इस बार मैं तुम्हें और तुम्हारे इस अजीब से भाई को छोड़ देता हूँ, पर आगे से तुम सब याद रखो, अगर कभी भी किसी ने गोलू को नुकसान भी पहुँचाया तो अच्छा नहीं होगा। मेरा नाम बल्लू पहलवान है। कि गोलू गलत होके भी हमेशा जीत जाता है, क्योंकि वो बल्लू पहलवान का बेटा है, इसीलिए सब लोग उससे डरते हैं और हमेशा उसी की बात मानते हैं। हाँ, और हमारे पिता इतने सीधे साधे और भोले हैं, उनसे तो कभी कोई भी नहीं डरेगा। कार्तिक, गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती को नहीं पता था कि उनके भोले भाले पिता असल में सर्वशक्तिमान शिव जी हैं। तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? कोई परेशानी है? बाबा, पता है आज मैं जीत भी गया था, पर फिर उस बल्लू पहलवान के डर से सब लोग गोलू के आगे चुप हो गए। मैंने तुम लोगों को पहले भी समझाया, सिर्फ ताकतवर होने से कुछ हासिल नहीं होता है। अगर तुम एक अच्छा और सच्चा इंसान बनते हो, दूसरों के बारे में सोचते हो, तो देखना सब लोग तुम्हारा कितना आदर करेंगे। वो बल्लू पहलवान तो कितना ताकतवर है, जरा सोचो तो, क्या कोई उसको पसंद करता है? बच्चों, जो तुम दोनों कह रहे हो वो सही रास्ता नहीं है। माँ, एक बात बताइए, हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, गांव में सब लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं, पर क्योंकि वो बलवान नहीं, इसलिए इनको वहाँ पे कोई इतना नहीं मानता जितना बलू को मानते हैं। मानते हैं क्योंकि वो शक्तिमान है। मुझे भी वैसी शक्ति चाहिए ताकि सब लोग मुझसे डरे, मेरी बात माने। स्वामी, इसका मतलब हम जो कर रहे हैं क्या उसका कोई अर्थ नहीं, कोई मोल नहीं? देवी, हमने ये जिंदगी इसीलिए चुनी थी
क्योंकि हमें चाहिए था कि हमारे बच्चे अपने आप सब कुछ सीखें। हमें उन्हें उनकी पहचान बताने की जरूरत ही न पड़े। और देवी, वही हो रहा है। कार्तिक भी अपने आप सही और गलत का अंतर समझ जाएगा। आज मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी जिसमें तारों के बारे में लिखा हुआ है। वो देखो, वो है सप्तर्षि मंडल। मुझे तो अलग से कुछ समझ नहीं आ रहा, सारे तारे एक जैसे ही तो हैं। अरे ठीक से देखो ना, ऐसे ही आकाश में तारों को देखकर ही तो हमारे मुनि ऋषियों को इस ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ था। हुँ? 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 हुँ?